भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती चौक पे समाजसेवी सिंह सिद्धेश्वर मंडल ने पटेल की प्रतिमा पर पुष्प फूल देकर श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी गजाधर यादव को शॉल देकर सम्मानित किया गया और साथ ही नगर पालिका 45 दैनिक सफाई मजदूरों को भी चादर देकर सम्मानित किया गया। समाजसेवी सिद्धेश्वर मंडल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के लिए किए गए प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की दिशा में उनके प्रयासों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में संदर्भित किया है। इस जयंती समारोह के अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक मुरलीधर ठाकुर, अशोक कुमार, रणदीन प्रसाद आदि सभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पटेल जी का 146वां जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर नगर परिषद के दैनिक मजदूर सफाई करने वाले लोगों को लगभग 40 से 50 के बीच मैंने उनको शॉल से सम्मानित किया और साथ ही साथ उनका जो इंचार्ज है अशोक जी, मैं उनको भी सम्मानित किया और साथ ही साथ आप सभों को ओर से मैंने स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको हमने सम्मानित किया। और मैं बता दूं ये 1999 से मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूँ, पुण्यतिथि में भी करता हूँ, जन्मदिन में भी करता हूँ और निसहाय जो गरीब नीचे तबके के लोग हैं उन्हीं से मैं झंडा तोलन भी करवाता हूँ, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे पासवान जी हो, हमारे जो भी निचले तबके के लोग हैं शिव हरि जी, सबसे मैंने झंडा तोलन करवाते हैं। रिक्शा वाले जो हमारे क्या नाम है वो इसका सेवा करता। ऑनलाइन भारत के सहिंद प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री बलाई लाल पात्र ने शनिवार को सेवानिवृत्त होने पर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राकेश सहाय के द्वारा सादे समारोह के रूप में उन्हें विदाई देते हुए सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री बलाई लाल पात्र के पूरे कार्यकाल में कोरोना काल के 2 वर्षों के दौरान उनके कार्य और सहयोग की प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राकेश सहाय ने प्रशंसा की। साथ ही साथ प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा के बेहतर माहौल बनाने और बच्चों को विद्यालय बंद होने के बावजूद घरों तक बेहतर शिक्षा और मध्याह्न भोजन की खाद्य सामग्री पहुंचाने को लेकर टीम भावना की भी तारीफ। वहीं प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी श्री बलाई लाल पात्र ने कहा कि सेवा काल के अंतिम पद स्थापना का सार्थक और सकारात्मक अनुभव रहा है। संक्रमण काल में प्रखंड प्रशासन के साथ साथ सभी कर्मियों का भरपूर सहयोग मिला, जिसके बदौलत प्रखंड क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का अवसर मिला, जिसके लिए सभी प्रखंड प्रशासन और शिक्षा कर्मियों का आभारी हूं मैं। अपने कार्यकाल में सेवानिवृत्त होने के बाद बलाई लाल पात्र सोमवार को पश्चिम सिंहभूम के बहरागोड़ा स्थित अपने गृह प्रखंड के लिए रवाना होंगे। इस दौरान मौके पर अंचल निरीक्षक श्री रमेश प्रसाद, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्री अनिल कुमार रवि, प्रखंड समन्वयक श्री मंजीत सिंह, भीमराम मनोहर यादव, विजय कुमार, पप्पू अरुण कुमार, लवली कुमार दयाल समेत अन्य कर्मी मौजूद। शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री पात्रा जी का आज कार्यालय के लिहाज से अंतिम कार्य दिवस है। वैसे विधिवत कल ये सेवानिवृत्त होंगे। बेहद सक्षम, कुशल और प्रशासकीय दक्ष पदाधिकारी का अवकाश प्राप्त करना थोड़ा खलता है। मैं इन्हें प्रखंड कार्यालय की तरफ से इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ कि कोरोना काल के जो चुनौती भरा समय था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रखंड प्रशासन को सीमाओं से बाहर जाकर के मदद दी, जिसके लिए मैंने हमेशा याद रखूँगा। अपना प्रशासन अगर चलाने की बात रही शिक्षा विभाग की, तो बरवाटी की जितने भी शिक्षा विभाग से मसले रहे वो सब समय से हल हुए। और जब कभी भी हम लोग जिला की मीटिंग में माननीय उपायुक्त के साथ कोऑर्डिनेशन की बैठक में जाते थे तो बरवाटी की प्रगति, बरवाड़ी का परफॉर्मेंस शिक्षा विभाग में रिमार्केबल रहता था और मैं इनको हमेशा इसके लिए कहता भी रहा और
ये इनका पर्सनल अचीवमेंट था और ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी था जो इन्होंने कम संसाधन में भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया। अब जबकि पात्रा जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अब अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय दे पाएंगे, मैं इनको महसूस करता था छुट्टी के दिनों में कि परिवार से तालमेल बिठाने में दिक्कत होती थी। मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की थी कि कुछ और समय ही बिताया करें अपने परिवार के साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पात्रा जी सदैव स्वस्थ सुखी और प्रसन्न रहें और हम लोगों के साथ समय समय पर संवाद जरूर बनाए रखें। R9 भारत के लिए हेमंत कुमार कश्यप की रिपोर्ट, लातेहार, बरवाडीह।